आज का वीडियो बहुत एक्साइटिंग इसलिए होने वाला है क्योंकि हम लोग ऐड करेंगे आज पेटीएम पेमेंट गेटवे। आप लोग किसी भी तरह का पेमेंट गेटवे चुन सकते हैं, आप लोग रेजर पे चुन सकते हैं, हमारे पास इंस्टा मोजो होता है इंडिया में, एक और भी बहुत सारे पेमेंट गेटवेज आ गए हैं आज की तारीख में, लेकिन हम लोग पेटीएम पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करने वाले हैं। मैं आप लोगों को सेटअप दिखाऊंगा पूरा कि पेटीएम पेमेंट गेटवे किस तरह से काम करता है और क्या लॉजिक है पेटीएम पेमेंट गेटवे को ऐड करने का और किस तरह से पेटीएम पेमेंट गेटवे को हम ऐड करेंगे, लेकिन पेमेंट्स हम एक्सेप्ट करेंगे नेट बैंकिंग से भी, वॉलेट से भी, यूपीआई से भी और सारे तरह के बैंक्स इंक्लूडेड होंगे इसके अंदर। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, ये देखते हैं कि पेटीएम पेमेंट गेटवे किस तरह से ऐड किया जाता है। तो गैस अब हम लोग पेटीएम पेमेंट गेटवे लगाने वाले हैं साइट पर, कोड्सवेयर पर। देखो यार, अलग अलग गेटवेज को लगाने का अलग अलग तरीका होता है। अगर मैं एक गेटवे की बात करूँ तो वो मुझे कोई ना कोई तरीका खुद से देंगे, उसी तरह पेटीएम भी एक तरीका देता है, पेटीएम डेवलपर डॉक्स। ठीक है, मैं यहाँ पर सिंपली पेटीएम फॉर डेवलपर्स लिख रहा हूँ और ये यहाँ पर पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन के लिए हमको यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं APIs वगैरह। ठीक है, तो मैंने पेटीएम पेमेंट गेटवे बहुत पहले इस्तेमाल किया था और मेरी वो एप्लीकेशन आज तक चल रही है, लेकिन मैंने देखा कि जो अभी इन्होंने फ्लो चेंज किया है उसके हिसाब से मेरा पुराना फ्लो डेप्रिकेट कर गया, यानी कि मैं पुराने वाले फ्लो के अकॉर्डिंग पेटीएम पेमेंट गेटवे यूज़ नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ हम लोग क्या करेंगे। सॉल्यूशन रिकमेंडेशन पर जाएंगे। ठीक है, मैंने पेटीएम का डॉक्स खोला है, सिंपली आप लोगों के सामने ही खोला है, किस तरह आप लोगों को मालूम है। यहाँ सॉल्यूशन रिकमेंडेशन में ये हमको सॉल्यूशन रिकमेंड करेंगे, ये मुझसे पूछ रहा है कि किस तरह से आप लोग इसको यूज़ करना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ वॉन्ट टू इंटीग्रेट अ क्विक पेमेंट सॉल्यूशन विद द प्रोविजन टू कस्टमाइज द डिज़ाइन ऑफ द पेमेंट पेज, तो मैं ये करना चाहता हूँ। ये कह रहा है रिकमेंडेड सॉल्यूशन JS चेकआउट। अब ये JS चेकआउट क्या है? JS चेकआउट एक सॉल्यूशन है, अमेजिंगली फास्ट चेकआउट सॉल्यूशन जो ये पेटीएम के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है बाय द वे, मैं आप लोगों को बता दूं, और अगर होता भी तो मैं आपको बता देता, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन पेटीएम को यहाँ पर आजमाया जा सकता है। तो मैं क्या करूँगा कि JS चेकआउट का इस्तेमाल करूँगा पेटीएम पेमेंट्स एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखो, ये कह रहा है कि मेटा में व्यू पोर्ट लगा दो कुछ इस तरह से। तो मैं आ जाऊँगा अपनी नेक्स्ट JS ऐप में, अंडरस्कोर डॉक्यूमेंट डॉट JS में आऊँगा, सॉरी अंडरस्कोर कहाँ गया मेरा, डॉक्यूमेंट डॉट JS में ही आऊँगा। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, हेड के अंदर, या फिर मैं एक काम करता हूँ ना, चेकआउट वाले पेज पर ही लगाता हूँ इस चीज़ को। तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट इम्पोर्ट हेड फ्रॉम नेक्स्ट स्लैश हेड करूँगा, और उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ पर मैं हेड जो है उसका इस्तेमाल करूँगा और हेड के अंदर ये चीज़ डाल दूंगा जो इन्होंने दे रखी है। अगले स्टेप में ये मुझे बताते हैं कि आप अपने मर्चेंट डैशबोर्ड पे जाओ और वहाँ पर आपको कोड मिल जाएगा, लेकिन इन्होंने यहाँ पर एक कोड स्निपेट भी दे रखा है जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो ये सिंपली क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं जब भी आपको हमारा ये यूज़ करना है पेमेंट गेटवे, तो आप सबसे पहले तो क्या करो कि ये स्क्रिप्ट लोड करो। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, नेक्स्ट JS में स्क्रिप्ट को लोड कर सकता हूँ नेक्स्ट JS के स्क्रिप्ट टैग से। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इम्पोर्ट स्क्रिप्ट फ्रॉम नेक्स्ट स्लैश स्क्रिप्ट। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस स्क्रिप्ट को इस्तेमाल कर सकता हूँ और यहाँ पर एक मिनट, स्क्रिप्ट कोलन SRC वाला यूज़ करूँगा, ये क्या हो गया, स्क्रिप्ट टैग ही यूज़ करता हूँ सिंपली, या मैं काम करता हूँ जो मैंने कॉपी किया ना उसको पेस्ट करता हूँ, और जो इसकी स्क्रिप्ट है उसको मैं कैपिटल स्क्रिप्ट बना दूँगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से कर दूँगा। अब यहाँ पर क्या है कि मुझे अपनी MID डालनी है जो कि मर्चेंट ID होती है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर डॉलर कुछ इस तरह से process.env. और यहाँ पर लिख दूँगा MID। ठीक है, paytm_MID लिखूँगा। और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी पेटीएम की MID है, मैं यहाँ पर बैकटिक्स भी लगाऊंगा, यहाँ नहीं लगाऊंगा, यहाँ लगाऊंगा, बैकटिक्स भी लगाऊंगा। ठीक है, कुछ इस तरह से मैं बैकटिक्स लगाऊंगा। यहाँ पर मेरा होस्ट आने वाला है और ये होस्ट मेरा पेटीएम का होस्ट है, ये वाला होस्ट नहीं है। ठीक है, paytm_host कर दूंगा इसको मैं, और paytm_host किया इसको मैंने, सॉरी मैं इसको process.env.paytm_host करूँगा कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, और अभी भी एरर दिखा रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, यहाँ पर मैंने बैकटिक्स ओपन किए, process.env.paytm_host किया, अभी क्या दिक्कत आ रही है इसको, अनएक्सपेक्टेड, एक मिनट मैं देख रहा हूँ क्या दिक्कत आ रही है, paytm_host। तो यहाँ पर मैंने डॉलर स्टार्ट करा, यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि ये ओके, तो ये दिक्कत पता है क्या आ रही है, ये मुझे इसको जावास्क्रिप्ट बनाना पड़ेगा। अब ये यहाँ पर ठीक है, तो ये तरीका है जो कि हमें दिया है पेटीएम ने खुद। ठीक है, अब इसके बाद ये मुझसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं चलो ठीक है यार, ये स्क्रिप्ट एक बार लोड हो जाए तो आप क्या करो कि आप
ट्रांजैक्शन को इनिशिएट करने के लिए ये वाला कोड रन कर दो। अब ये कोड बहुत कॉम्प्लिकेटेड आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये एक्चुअली में बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इन्होंने जो कोड दिया हुआ है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वो जो कोड है वो कुछ इस तरह से है कि आप जैसे पेज लोड करो वैसे ही आपका जो ट्रांजैक्शन है वो स्टार्ट हो जाए। लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ट्रांजैक्शन को मैनुअली स्टार्ट करूँगा, ठीक है। और आप देखते जाओ ये मकाम मैं कैसे करूँगा, ठीक है। देखो, अगर आप एक बिगिनर हो, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहे हो, तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत होगी पेटीएम का जेएस चेकआउट यूज़ करने में, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंटेशन में बार बार देखना पड़ेगा और फिर उसी चीज़ को नेक्स्ट जेएस के अंदर लेके इंप्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल तो यार देखो बन जाता है। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपनी प्रोसेस डॉट ईएनवी वाली जो फाइल है, डॉट ईएनवी डॉट लोकल, उसके अंदर ये दोनों वैल्यूज़ डालूंगा। सबसे पहले तो पेटीएम का जो मैंने अभी ये लिखा था, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर राइट क्लिक क्लोज टू द राइट कर देता हूँ, ज़्यादा फाइल्स नहीं खोलनी है। सबसे पहले तो एक जो मैंने एनवायरनमेंट वेरिएबल यूज़ किया है वो है पेटीएम होस्ट, ठीक है। तो जो पेटीएम होस्ट है वो इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा, इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है कि अगर आप प्रोडक्शन में हैं तो आप ये यूज़ करें, अगर आप डेवलपमेंट में है, स्टेजिंग में है, तो आप ये यूज़ करें। तो मैं प्रोडक्शन में ही इसको रखूँगा। और यहाँ पर एक और चीज़ जो है वो MID है, पेटीएम की MID, जो कि मेरी मर्चेंट आईडी है, मेरे मर्चेंट अकाउंट की करस्पॉन्डिंग होगी। अब जब आप पेटीएम पे एक मर्चेंट अकाउंट बनाते हो, ये आपका पेटीएम का अकाउंट नहीं होता, ये मर्चेंट अकाउंट होता है, तब ये आपको एक MID देते हैं जो कि आपकी मर्चेंट आईडी होती है। मर्चेंट मतलब आप पैसे ले सकते हैं, आपको बैंक अकाउंट भी लिंक कराना पड़ता है मर्चेंट आईडी से, शायद KYC वगैरह भी करानी पड़ती है, आप लोगों को अपना अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजने पड़ते हैं, जो भी प्रोसेस है। तो यहाँ पर मैं अपनी MID डाल दूंगा, ठीक है। और ये फाइल मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, मैं अपनी MID आपको नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। और मैं इसको सेव कर दूंगा और यहाँ पर MID डाल दूंगा अभी थोड़ी देर में। बट मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही कोई यहाँ पर पेमेंट पर क्लिक करे, यानी कि मैं पे सब टोटल ये वाले बटन पर क्लिक करवाऊँ, वैसे ही मैं ये चाहूँगा इस बटन पर क्लिक करते ही पेमेंट इनिशिएट हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं आप लोग को दिखाता हूँ मैं यहाँ पर क्या करूँगा। मैं कहूँगा ऑन क्लिक इज इक्वल टू, और ऑन क्लिक इज इक्वल टू मैं इनिशिएट पेमेंट नाम का एक फंक्शन रन कर दूंगा। अब हमें क्या करना है, इस इनिशिएट पेमेंट फंक्शन पे काम करना है, ठीक है। तो इस इनिशिएट पेमेंट में मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा कॉन्स्ट इनिशिएट पेमेंट इज इक्वल टू एक फंक्शन, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ हम करेंगे कि यार हम ये देखेंगे कि कितने पैसे हमें लेने हैं यूज़र से, ठीक है। तो जो कार्ड की वैल्यू होगी वो यहाँ पर हम उतने का पेमेंट इनिशिएट कर देंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही ये वाला जो कोड है इसको मैं कॉपी करूँगा, यहाँ तक कॉपी करूँगा, और इसके बाद देखूँगा इसमें से कितना कोड रेलेवेंट है, क्या क्या मुझे चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर रूट ये रहेगा, फ्लो डिफ़ॉल्ट रहेगा, डेटा के अंदर एक ऑर्डर आईडी मैं जनरेट करूँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा mat.random, ठीक है, ये मेरी ऑर्डर आईडी होगी। और इसके बाद टोकन, यहाँ पर टोकन वैल्यू मुझे अपडेट करनी पड़ेगी और वो मेरा ट्रांजैक्शन टोकन होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर TXN टोकन लिख देता हूँ, या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेट TXN टोकन, और ये आपको बताऊँगा ये ट्रांजैक्शन टोकन क्या होता है, ठीक है। फिर इसके बाद टोकन टाइप ये हो गया अमाउंट, अमाउंट यहाँ पर मैं अपडेट कर दूँगा अमाउंट, ठीक है, और यहाँ पर मैं लेट अमाउंट लिख देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर हैंडलर, ये इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। फिर यहाँ पर देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि जैसे ही आपका windows.paytm.checkout.js.onload वैसे ये रन हो, ऑन सक्सेस ये रन हो। अब यहाँ पर क्या है कि इन्होंने ये कोड इस तरह से लिखा है कि चेकआउट जेएस जैसे ही लोड हो जाए तो ये रन कर दो, लेकिन मेरी चेकआउट जेएस ऑलरेडी लोडेड होगी, मुझे मालूम है जब तक यूज़र क्लिक करेगा। तो मैं क्या करूँगा कि ये यहाँ पर जो आ रहा है इसको पहले हटाऊँगा, इसको हटाऊँगा, ठीक है, और इसके बाद मैं इसको हटाऊँगा और इसको हटाऊंगा, ठीक है, सेव कर दूंगा। लेकिन अभी भी बहुत सारा काम बाकी है। अब देखो पेटीएम का पेमेंट किस तरह से काम करता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि आप ट्रांजैक्शन इनिशिएट करते हैं, ठीक है, इनिशिएट ट्रांजैक्शन API का यूज़ करके। और इन्होंने यहाँ पर ये बात बहुत ही क्लियरली बताई हुई है, इन्होंने कहा है कि देखो यार इनिशिएट ट्रांजैक्शन API का इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन टोकन मंगा लो, ठीक है, इन्होंने ये बात खुद बोली है। और Node.js का इन्होंने कोड भी दे रखा है कि भाई देखो यहाँ पर आप जो है मंगा लो ये चीज़, और ये चीज़ मंगाने के बाद उसके बाद आप लोग कुछ करो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ट्रांजैक्शन इनिशिएट करने के लिए एक API बनाऊँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ अपनी API के अंदर और मैं यहाँ पर API में लिखूँगा प्री ट्रांजैक्शन डॉट js, ठीक है। और प्री ट्रांजैक्शन डॉट js के अंदर क्या करूँगा, ये सारा कोड में पेस्ट कर दूँगा, लेकिन मुझे डायरेक्टली भी पेस्ट नहीं करना चाहिए था क्योंकि मुझे चाहिए एक हैंडलर, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूँगा कुछ इस तरह से, ठीक है, और इसको कुछ इस तरह से करके कंट्रोल एक्स एंड एट दी एंड ले जाऊंगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है,
अब मैं इसको समझने की कोशिश करूँगा, इसमें से सारे कॉमेंट्स हटाऊंगा मैं, ठीक है, ये सारे हटाऊंगा मैं यहाँ से। अब देखो इन्होंने क्या किया है कि const https is equal to require https, ठीक है, ptm params, फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया है, अब ये जो मेरा प्री ट्रांजेक्शन है ये मुझे एक ट्रांजेक्शन टोकन देगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक fetch API का इस्तेमाल करके ट्रांजेक्शन टोकन मंगाऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा get a transaction टोकन, तो यहाँ पर मैं एक ट्रांजेक्शन टोकन मंगाऊंगा, और एक बार मेरा ट्रांजेक्शन टोकन मेरे पास आ जाता है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ट्रांजेक्शन टोकन दे दूँगा और इस ट्रांजेक्शन को इनिशिएट करवाऊँगा, ठीक है। तो पहला स्टेप है ट्रांजेक्शन टोकन लेना, ठीक है। तो मैं फेच API का इस्तेमाल करूँगा और फेच API के अंदर क्या करूँगा कि ये URL डालूँगा, ठीक है। तो मैं कुछ इस तरह से डालूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पर मेरा जो नेक्स्ट पब्लिक होस्ट है, ठीक है, जो मेरा नेक्स्ट पब्लिक होस्ट है वो यहाँ पर मैं लिखूँगा, कहाँ गया, नेक्स्ट पब्लिक होस्ट कुछ इस तरह से लिखूँगा, और इसके बाद लिखूँगा /API/pre-transaction, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जो मेरा fetch API, सबसे पहले मैं इस फंक्शन को async बना दूँ ताकि मैं await यूज़ कर सकूँ। अब मैं क्या करूँगा, लिखूँगा let a is equal to await fetch this, ठीक है, और मैं पोस्ट रिक्वेस्ट का इस्तेमाल करना चाहूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ fetch API post request, और ये आ गया मेरे पास एक URL और यहाँ पर एक सिंपल सा पोस्ट रिक्वेस्ट इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसका इस्तेमाल कर लूँगा, ठीक है, ये इसको ऐसे ही इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है। तो राइट क्लिक फॉर्मेट डेटा, ठीक है, मैं इसको क्या क्या दूंगा, डेटा में क्या क्या दूंगा, सबसे पहले तो मैं डेटा में दूंगा एक कार्ट, ठीक है, कार्ट मुझे देना ज़रूरी है, मेरे कार्ट में क्या क्या आइटम्स हैं ये मैं दे दूंगा, और उसी के साथ साथ मैं सब टोटल दे दूंगा, ठीक है। और सब टोटल देने के बाद, ये दोनों देने के बाद मैं क्या करूँगा कि ये डेटा इस चीज़ को दूंगा, यहाँ पर पोस्ट करूँगा, तो मैं यहाँ से हटा लेता हूँ इस चीज़ को, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पर डाल देता हूँ, और लेट ए इज़ इक्वल टू भी यहाँ पर डाल देता हूँ, लेट ए इज़ इक्वल टू फेच, ठीक है। तो ये डेटा मैं पोस्ट करूँगा इस एंड पॉइंट पर, मेथड पोस्ट एप्लीकेशन जेसन, जेसन स्ट्रिंगिफाई डेटा, डॉट देन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ अपना प्रोमिसेस को। तो इसको मैं हटाऊँगा, मैं यहाँ पर ए इज इक्वल टू अवेच लिखा है, सॉरी फेच लिखा है, फिर मैं लेट यहाँ पर लिखूँगा बी इज इक्वल टू अवेट ए डॉट जेसन, ठीक है, और इसके बाद मैं लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग बी, ठीक है, और ये देखूँगा यहाँ तक कहानी कहाँ तक जाती है, ठीक है। प्री ट्रांजेक्शन के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे मिलने वाला है, मैं लिखूँगा यहाँ पर इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, तब हम क्या करेंगे, और मैं बार बार भूल जाता हूँ, मैं पाइथन में नहीं जावास्क्रिप्ट में हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल एक्स करूँगा, ये सारा काम मैं तभी करूँगा जब हमारा जो मेथड है वो पोस्ट है, ठीक है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट थोड़ा ठीक दिखेगा ये, और ये करने के बाद देखो पेटीएम पैराम्स, फिर पैरामीटर्स बॉडी में ये रिक्वेस्ट टाइप पेटीएम आ गया, एमआईडी में यहाँ पर योर एमआईडी हेयर पूछ रहा है मेरे से, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर एमआईडी डाल दूँगा, प्रोसेस डॉट एन डॉट यहाँ पर आ जाएगी पेटीएम एमआईडी, ठीक है, अंडरस्कोर पेटीएम अंडरस्कोर एमआईडी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर योर वेबसाइट नेम, और इसके बाद यहाँ पर ऑर्डर आईडी आएगी, तो ऑर्डर आईडी भी मुझे यहाँ पर जनरेट करनी पड़ेगी, और ऑर्डर आईडी जनरेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, तो एक बहुत ही रैंडम सी ऑर्डर आईडी जनरेट करने के लिए मैं डेट डॉट नाउ का इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन यार अगर मैंने डेट डॉट नाउ का इस्तेमाल किया तो देर इज़ अ चांस कि एट द सेम टाइम दो यूज़र्स बैठे हुए हैं अलग अलग दुनिया के कोनों में, और उनका जो डेट डॉट नाउ है वो सेम हो जाएगा, और जो ऑर्डर आईडी है उन दोनों की सेम हो जाएगी, लेकिन मुझे चाहिए ऑर्डर आईडी यूनिक, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसा करने के लिए मैं बहुत ही सिंपल सी चीज़ कर सकता हूँ कि जो मेरी ऑर्डर आईडी है, कहाँ गई ऑर्डर आईडी तुम कहाँ हो, मैं मैट डॉट रैंडम जो किया है, मैं क्या करूँगा मैट डॉट फ्लोर करूँगा, और यहाँ पर लिखूँगा मैट डॉट रैंडम इंटू मैट डॉट सॉरी डेट डॉट नाउ, ठीक है। तो डेट डॉट नाउ तो मिली सेकेंड्स जो है वो रिटर्न करती है, ठीक है, और यहाँ पर ये करने के बाद मैं क्या करूँगा कि ऑर्डर आईडी, इस ऑर्डर आईडी करस्पॉन्डिंग जो ट्रांजेक्शन है उसको मैं इनिशिएट कर दूँगा, ठीक है। तो मैंने जो यहाँ पर प्री ट्रांजेक्शन API बनाई है इसमें रिक्वायर पेटीएम चेकसम है, ठीक है, तो पेटीएम चेकसम एक पैकेज है जो कि मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, प्रोडक्शन में आऊँगा, पेटीएम चेकसम ये एक नोड जेएस पैकेज है, उसको मैं यान ऐड करके ऐड कर लूँगा, ठीक है।
तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर इसको पेस्ट करूँगा अपने टर्मिनल में, अपने सर्वर को स्टॉप करके। और मैं यहाँ पर आके क्या करूँगा कि यान ऐड लिख दूँगा, ठीक है, यान ऐड पेटीएम चेकसम, ठीक है, और ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, इसको इंपोर्ट कर लूँगा। इंपोर्ट कैसे करूँगा इसको, मैं यहाँ पर देखो इसकी मोर डिटेल्स दी हुई हैं, npm install ptm checksum, और हम फिर इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ptm is equal to require ptm checksum is equal to require ptm checksum, ठीक है, कुछ इस तरह से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ dev लिख के अपना सर्वर दोबारा से स्टार्ट कर दूंगा, और यहाँ ptm पैरामीटर्स में आप लोग दोबारा से देखो, पेमेंट आ गया, MID आ गई, ठीक है, योर वेबसाइट नेम को मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूँ अभी यार, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ अभी। ऑर्डर आईडी में मैं क्या करूँगा, इसको ऑर्डर आईडी को पास करूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो मैं ऑर्डर आईडी जो जनरेट कर रहा हूँ वो मैं यहाँ जनरेट करूँगा, ठीक है, लेट ओ आई डी इज इक्वल टू करके, ठीक है, यहाँ पर करता हूँ लेट ओ आई डी इज इक्वल टू कुछ इस तरह से करूँगा, और यहाँ पर ऑर्डर आईडी जनरेट जब हो जाएगी तो कहाँ गई ऑर्डर आईडी, मैं एक्चुअली ये जो फेच एपीआई है ना, इस पी के साथ ऑर्डर आईडी भी भेज रहा हूँ डेटा में, ठीक है, तो मैं ओ आई डी यहाँ पर रखूँगा, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ओ आई डी करूँगा, ठीक है। तो जो मेरी ऑर्डर आईडी है वो यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ओ आई डी आ जाएगी, ठीक है। फिर कॉल बैक यू आर एल मैं अपडेट कर दूँगा अभी नहीं, अभी के लिए मैं क्या करूँगा कि इसको यहाँ पर लोकल होस्ट नहीं सॉरी, मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा बैकटिक्स, और इसके बाद डॉलर यहाँ पर लिखूँगा जो मेरा नेक्स्ट पब्लिक होस्ट है, नेक्स्ट अंडरस्कोर पब्लिक अंडरस्कोर होस्ट, और उसके बाद स्लैश लगाकर उसमें मैं एक एपीआई बनाऊँगा, स्लैश एपीआई बनाऊँगा, और उस एपीआई के करस्पॉन्डिंग मैं क्या करूँगा कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ये कुछ इस तरह से क्यों दिखा रहा है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया एपीआई स्लैश, और बना देता हूँ मैं क्या बनाऊँ, पोस्ट ट्रांजेक्शन, ठीक है, तो पोस्ट ट्रांजेक्शन मैंने यहाँ पर बना दिया, ठीक है, और स्लैश एपीआई स्लैश पोस्ट ट्रांजेक्शन, ठीक है। यार ये यहाँ पर ऐसे क्यों दिखा रहा है, ओके मुझे इसको ऐसे करना पड़ेगा और यहाँ से हटाना पड़ेगा इसको, अब ठीक है, तो ये मेरा कॉल बैक यूआरएल हो जाएगा। तो मैं काम करता हूँ, लगे हाथ बना ही देता हूँ यहाँ पर पोस्ट ट्रांजेक्शन, ठीक है, पोस्ट ट्रांजेक्शन यहाँ पर बना दूँ, बना देता हूँ, ठीक है, हेलो डेट जे एस को कॉपी करूँगा, और जो मेरा पोस्ट ट्रांजेक्शन होगा वो कुछ नहीं करेगा, सिंपली रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को एज बॉडी प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। तो ये भी हो गया, अब वैल्यू क्या होगी मेरी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट अमाउंट, प्राइस क्या था यहाँ पर, था अमाउंट, ठीक है, अमाउंट था ना, नहीं सब टोटल था, ठीक है, सब टोटल था, ठीक है, ये मैंने कर दिया, और ये अमाउंट यहाँ पर मैं अमाउंट क्यों यूज़ कर रहा हूँ, सब टोटल करूँगा और अमाउंट हटा देता हूँ, ऐसे अमाउंट की ज़रूरत नहीं है। और ये करने के बाद मैं अपडेट करूँगा ट्रांजैक्शन टोकन को, ठीक है, तो मैं यहाँ से ट्रांजैक्शन टोकन हटाकर यहाँ रख देता हूँ, ठीक है, सेव करता हूँ इस चीज़ को, और यहाँ पर देखो कार्ड सब टोटल ओ आई डी सब कुछ ठीक है। अब मैं यहाँ पर आऊँगा प्री ट्रांजेक्शन में, ठीक है, करेंसी आई एन आर ठीक है, यूज़र आई डी यूज़र इन्फो कस्टमर आई डी क्या रहेगा, ई मेल रहेगा कस्टमर का, ठीक है, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ई मेल कर देता हूँ, ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ई मेल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ करता हूँ अभी के लिए, ई मेल ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, बाद में इसको चेंज कर दूँगा। अब यहाँ पर देखो पेटीएम ने कुछ कोड ऐड करा हुआ है, और ये जो कोड पेटीएम ने ऐड किया हुआ है ना, ये स्टेजिंग के लिए ऐड किया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा इस चीज़ को अनकमेंट करूँगा, इस चीज़ को कमेंट आउट करूँगा, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर ये कह रहा है योर एम आई डी हेयर, ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा प्रोसेस डॉट यहाँ पर डॉलर लगाऊँगा कुछ इस तरह से, और यहाँ पर अपना ये जो मेरी पेटीएम एम आई डी है ना इसको पेस्ट कर दूँगा यहाँ पर, ठीक है, पेटीएम एम आई डी को पेस्ट कर दूँगा, और मैं कुछ इस तरह से इसको सेव करूँगा, और यहाँ पर पोस्ट डेटा डॉट लेंथ रिस्पॉन्स इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पर एक दिक्कत है यार, ठीक है, ये यहाँ पर एक सिक्योर एच टी टी पी रिक्वेस्ट मार रहा है, मुझे क्या करना पड़ेगा, सिक्योर्ड एच टी टी पी रिक्वेस्ट को कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा कि एक प्रॉमिस रिटर्न करे, और ऐसा मुझे क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा फंक्शन है जो हैंडलर है वो एसिंक बन जाए, एसिंक नहीं एसिंक फंक्शन हैंडलर, ठीक है। अब आपको यार ऐसा क्यों करने की ज़रूरत पड़ी,
देखो यार, ये जो मेरा फंक्शन रन हो रहा है ना, मैं नहीं चाहता कि ये एसिंक्रोनसली रन करे, मैं चाहता हूँ कि ये ब्लॉकिंग नेचर से रन करे, ताकि जब सारे काम हो जाए तब हम रिक्वेस्ट को रिटर्न कर दें। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊँगा रिक्वेस्ट एसिंक करके, ठीक है। अब यार देखो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आप लोगों को लगेगा, ठीक है, लेकिन यार देखो यही तरीका है, मेरे दिमाग में जो आ रहा है वो मैं कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को इससे आसान तरीका मिले, या फिर पेटीएम ने अगर कोई नेक्स्ट जेएस के लिए लाइब्रेरी बना रखी है, तो मुझे ज़रूर बता सकते हो आप लोग। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा रिटर्न न्यू प्रॉमिस, और ये एक फंक्शन लेगी रिजॉल्व रिजेक्ट, ठीक है। और ये फंक्शन के अंदर मैं क्या करूँगा, ये सारा का सारा मसाला डालूंगा, ठीक है। ये जितना भी लिखा हुआ है, सारा का सारा मैं डालूंगा इस प्रॉमिस के अंदर, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ही मुझे रिस्पॉन्स मिल जाएगा, जो कि मुझे यहाँ पर मिल रहा है, मैं क्या करूँगा, रिजॉल्व रिस्पॉन्स कुछ इस तरह से रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, मैं ट्राई कैच का इस्तेमाल करके रिजेक्ट को भी रन कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन अभी के लिए मैं नहीं करूँगा। तो ये जो मेरा रिक्वेस्ट एसिंक है, ये मैंने यहाँ पर बना दिया है अपना, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि रिक्वेस्ट एसिंक को अवेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या लिखूँगा, लेट आर या माई आर इज इक्वल टू अवेट रिक्वेस्ट एसिंक, ठीक है, इसको मैं अवेट कर रहा हूँ। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रेस्ट डॉट स्टेटस करूँगा, और रेस्ट डॉट स्टेटस करने के बाद सेंड कर दूँगा कोड 200.json माई आर, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्स में सेंड कर पाऊँगा, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये कह रहा है कि अनएक्सपेक्टेड रिजर्व्ड वर्ड अवेट, तो ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये मुझे देखना पड़ेगा। तो मैं इसको अवेट कर रहा हूँ, ओके, तो मुझे यहाँ पर एसिंक लिखना पड़ेगा, ठीक है। नहीं नहीं, ये यहाँ पर ऐसा क्यों मुझे बता रहा है, अननोन रिजर्व्ड वर्ड अवेट, तो यार ये एरर क्यों आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि डॉट ओके, तो यहाँ पर क्या है ना कि हम जिस फंक्शन के अंदर है वो ये वाला फंक्शन है, मुझे इसको अवेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, लिखूँगा कॉन्स्ट चेकसम इज इक्वल टू अवेट, और ये डॉट देन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, समझ लो आप लोग मैं क्या कह रहा हूँ। तो चेकसम जहाँ हम इस तरह से ला रहे थे, अब हम इस तरह से चेकसम नहीं लाएंगे, अब हम अवेट का इस्तेमाल करके लाएंगे। और ये यहाँ पर जो योर मर्चेंट की कह रहा है, यहाँ पर मैं अपनी नेक्स्ट सॉरी कहाँ गई मेरी मर्चेंट आईडी, यहाँ पर अपनी एमआईडी डाल दूंगा, ठीक है। कहाँ गई मेरी एमआईडी, ये रही मेरी पेटीएम एमआईडी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपनी पेटीएम एमआईडी डाल दूंगा, प्रोसेस डॉट एनवी डॉट पेटीएम एमआईडी, ठीक है। तो बढ़िया यार, ये तो सही हो गया। अब मुझे देखना है कि क्या मेरा जो ट्रांजैक्शन टोकन है वो मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो मैं अगर इस पर क्लिक करूं, तो ये कह रहा है नेक्स्ट पब्लिक होस्ट इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर देखनी पड़ेगी, नेक्स्ट पब्लिक होस्ट इज़ नॉट डिफाइंड, प्रोसेस डॉट ईएनवी करके लिखना पड़ेगा। अभी बहुत सारे एरर्स आएंगे, सबको सॉल्व करेंगे करके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पे पर क्लिक करूँगा, ए डॉट जेसन इज़ नॉट अ फंक्शन, ऐसा क्यों, कहाँ पर है ए, ए डॉट जेसन इज़ नॉट अ फंक्शन, ये एरर कहाँ पर आ रहा है, चेकआउट में ही आ रहा होगा। ए डॉट जेसन इज़ नॉट अ फंक्शन, अवेट ए डॉट जेसन, ए इज इक्वल टू फेच, ये किया मैंने, और यहाँ पर ए डॉट जेसन कर दिया। क्या ये फंक्शन एसिंक नहीं है, नहीं ये फंक्शन तो एसिंक है, तब ये दिक्कत क्या आ रही है, ए डॉट जेसन इज़ नॉट अ फंक्शन। मैंने ये किया अवेट, फिर इसके बाद मैंने किया फेच, इसके बाद मैंने इसको जेसन में कन्वर्ट किया, ये कह रहा है जेसन इज़ ए डॉट जेसन इज़ नॉट अ फंक्शन, ऐसा क्यों, मैंने फेच को अवेट नहीं किया इसलिए बोला इसने ऐसा, मुझे फेच को अवेट करना पड़ेगा। मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ, और कुछ हुआ क्या, क्या मेरे कंसोल पर कुछ आया, नहीं, इंटरनल सर्वर एरर ज़रूर आ गया, देखता हूँ क्या एरर आया, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये कह रहा है कि नेक्स्ट पब्लिक होस्ट इज़ नॉट डिफाइंड, जो कि बढ़िया है, नेक्स्ट पब्लिक होस्ट डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है, तो मुझे करना पड़ेगा डिफाइंड। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, और यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रोसेस डॉट एन डॉट, ठीक है, अब तो डिफाइंड है ना, अभी इंटरनल सर्वर एरर, रेंज एरर इनवैलिड की लेंथ, ये कहाँ पर आ रहा है एरर, रेंज एरर इनवैलिड की लेंथ, ये देखना पड़ेगा यार कहाँ पर आ रहा है। तो मैं यहाँ पर इसको देखने की कोशिश कर रहा हूँ, रेंज एरर इनवैलिड की लेंथ, ओके, तो जो मर्चेंट आईडी है शायद उसकी बात हो रही है, मैंने मर्चेंट आईडी अभी तक डाली नहीं है। तो मैं काम करता हूँ, जो मेरी मर्चेंट आईडी है वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद इसको रन करता हूँ। बाय द वे, यहाँ पर एक बात और है कि जो मेरी मर्चेंट की है वो मर्चेंट आईडी से अलग है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मर्चेंट आईडी के साथ साथ मर्चेंट की भी डालूंगा, तो मैं मर्चेंट की भी डालूंगा, मर्चेंट आईडी भी डालूंगा, ठीक है। तो जो मेरी मर्चेंट की है, कहाँ गई मेरी मर्चेंट की, वो यहाँ पर डालूंगा मर्चेंट की, ठीक है। तो पेटीएम अंडरस्कोर की है, ठीक है, ये एम आई डी है, ये एम की है, मैं इसको एम की बोलता हूँ, ठीक है, एम की
मर्चेंट की, ये अलग है, ठीक है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर नोट करने लायक है। अब मैं चलाऊंगा तो ऑब्वियसली नहीं चलेगा, तो मैं इन दोनों को फिल कर लेता हूँ और फिर वापस आता हूँ। तो यार मैंने मर्चेंट की और मर्चेंट आई दोनों डाल दिए। अब मैं यार्न डेव रन कर रहा हूँ, और यार्न डेव रन करने के बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर इसको चला कर देखूँगा कि पेमेंट मेरा इनिशिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रिलोड भी कर लेता हूँ एक बार, नई नई चीज़ करी है मैंने, अनडिफाइंड डॉट जी एस। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे अपनी मर्चेंट की को पब्लिक करना पड़ेगा। अब आप लोग यहाँ पर देखो, लोकल 3000 आया, स्लैश अनडिफाइंड आया। स्लैश अनडिफाइंड क्यों आया? क्योंकि जो मेरी जावास्क्रिप्ट थी, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, उसमें मैंने पेटीएम होस्ट डाल दिया। मुझे नेक्स्ट पब्लिक होस्ट डालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, नेक्स्ट अंडरस्कोर पब्लिक अंडरस्कोर होस्ट करूँगा, और मैं अपनी मर्चेंट आईडी को भी पब्लिक करूँगा। तो ये जो नेक्स्ट अंडरस्कोर पब्लिक है, वो मैं यहाँ पर अपनी मर्चेंट आईडी में भी प्रीपेंट कर दूँगा। तो मैं एमआईडी सर्च करता हूँ, यहाँ पर सिर्फ एक जगह पर है, और यहाँ पर एमआईडी सर्च करूँगा तो यहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट पब्लिक पेटीएम एमआईडी, ठीक है। अब मैं अपनी मर्चेंट आईडी को यहाँ पर भी प्रोसेस डॉट डॉट एम डॉट लोकल में भी चेंज कर देता हूँ। तो मैंने नेक्स्ट पब्लिक पेटीएम एमआईडी कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं इसको रीस्टार्ट करूँगा अपने सर्वर को, ताकि मेरे एनवायरमेंट वेरिएबल्स लोड हो जाए, और इसके बाद पेमेंट इनिशिएट करने की कोशिश करूँगा। और अभी भी एक एरर आया। अभी क्या एरर है यार? अब यहाँ पर ये मुझसे कह रहा है कि क्या कह रहा है, पेटीएम पब्लिक पेटीएम एम आई डी इज़ नॉट डिफाइंड नेक्स्ट। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? प्रोसेस डॉट एम डॉट करना पड़ेगा इसको, पेटीएम एम आई डी इज़ नॉट डिफाइंड, प्रोसेस डॉट एम डॉट पेटीएम एम आई डी करना होगा। अच्छा, यहाँ पर भी मुझे नेक्स्ट अंडरस्कोर को पब्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। और उसी के साथ साथ पेटीएम एम आई डी और कहाँ पर है, नेक्स्ट पब्लिक पेटीएम एम आई डी यहाँ पर डिफाइंड नहीं है, प्रोसेस डॉट एंड डॉट करना पड़ेगा इसको भी। और यार्न डेव रन करता हूँ, और अब मैं इनिशिएट करता हूँ पेमेंट, और यहाँ पर कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड चेकआउट जे एस। यहाँ पर देखता हूँ ये क्या दिक्कत आ रही है, अनडिफाइंड चेकआउट डॉट जे एस। तो यहाँ पर देखो, मेरी जो रिस्पॉन्स टाइम स्टैम्प वर्जन 1, कुछ रिस्पॉन्स तो मुझे देखने को मिला। यहाँ पर ये कह रहा है 404 नॉट फाउंड लोकल होस्ट 3000। ओके, तो यहाँ पर एक गलती करी है मैंने। पता है क्या गलती करी है? गलती ये करी है कि जो स्क्रिप्ट है मेरी, वो लोकल होस्ट पर नहीं है। स्क्रिप्ट जो है मेरी, वो पेटीएम के होस्ट पर है। मेरी नेक्स्ट पब्लिक होस्ट पर नहीं है, पेटीएम अंडरस्कोर होस्ट पर है। और जो पेटीएम का होस्ट होगा, वो भी पब्लिक करना पड़ेगा मुझे, पेटीएम अंडरस्कोर होस्ट। और इसको भी मुझे नेक्स्ट पब्लिक करना पड़ेगा, नेक्स्ट पब्लिक पेटीएम होस्ट, ठीक है। तो मैंने जस्ट प्रीपेंड कर दिया अपनी जो मेरी एमआईडी थी, सॉरी जो मेरी डॉट एन डॉट लोकल थी, उसमें मैंने नेक्स्ट पब्लिक प्रीपेंड कर दिया। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर आऊँगा दोबारा से, और अब मैं दोबारा से इसको रीलोड करके पेमेंट इनिशिएट करने की कोशिश करूँगा। ये कह रहा है ऑन स्क्रिप्ट लोड इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, ऑन स्क्रिप्ट लोड इज़ नॉट डिफाइंड, तो मैं ऑन लोड इज इक्वल टू कुछ नहीं करना चाहता, तो मैं इसको सेव करूँगा, दोबारा से रीलोड करूँगा, और अब देखता हूँ कुछ होता है क्या। पे किया मैंने, और यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर देख रहे हो आप लोग, पे यहाँ पर अमाउंट आ गया, ऑर्डर आईडी यहाँ पर देखने को मिल गई, और आप लोग यहाँ पर देखो रिस्पॉन्स टाइम स्टैम्प ये यहाँ पर कुछ इस तरह से आ गया। ये क्या चीज़ प्रिंट हुई है, बस मैं ये देखना चाहता हूँ। ये कह रहा है ऑर्डर आईडी इन द क्वेरी पैरामीटर डजंट मैच विद ऑर्डर आईडी सेंड इन द रिक्वेस्ट। तो ये एक दिक्कत है, ठीक है। मैं ब्लॉक करूँगा लोकेशन, लोकेशन नहीं दूंगा। और यहाँ पर ऑर्डर आईडी देख रहा हूँ, ओ आई डी यहाँ पर है, और प्री ट्रांजेक्शन में ऑर्डर आईडी कौन सी है मेरी, यहाँ पर ऑर्डर आईडी मेरी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ओ आई डी है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये दिक्कत क्या आ रही है। देखो यार, ओ आई डी मैंने यहाँ पर ये वाली जो ओ आई डी जनरेट करी है, वही ओ आई डी यूज़ करी है, और यहाँ भी मैंने ऑर्डर आई डी वही यूज़ करी है। अगर मैं ऑर्डर आई डी की बात करूँ, तो वो यहाँ पर ये है, और यहाँ पर ऑर्डर आई डी क्या है मेरी, यहाँ पर ऑर्डर आई डी। ओके, तो ये ऑर्डर आई डी यहाँ भी चेंज करनी होगी। देख रहे हो ये कहाँ कहाँ इन्होंने, यार पेटीएम वालों तुम लोग एक बार पूछ लो ना एक चीज़ को, बार बार मतलब, या फिर एक पैकेज बना दो बढ़िया सा यार। खैर जो भी है, करना पड़ता है यार, करना पड़ता है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ओ आई डी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये बार बार चेंज करने से अच्छा ऊपर एक वेरिएबल बना देते हैं, वहाँ पे हम अपडेट कर लेते, लेकिन नहीं, बार बार जगह जगह चिपकाना ज़रूरी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब झेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1000 रुपये ले लो। अरे ये क्या रह रहा है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर इनवैलिड एच एम आर मैसेज, और इस बार भी लगता है भाई एरर आया। नहीं नहीं, इस बार हमको ट्रांजैक्शन टोकन मिल गया भाई, इस बार हमको ट्रांजैक्शन टोकन मिल गया। अब ये जो टी एक्सटेंड टोकन है, वो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, लेकिन ये कुछ इस तरह से क्यों हुआ, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या यहाँ पर कोई एरर आया? नहीं, या कोई एरर नहीं आया।
तो अगर मैं इसको बंद करूं तो ये मैं पेमेंट कर क्यों नहीं पा रहा हूं, ये मुझे देखना पड़ेगा। तो यहां पर अगर मैं आऊं वापस से checkout.js में, तो आप लोग यहां पर देखो कि सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है, और यहां पर window.ptm.checkout.init config.then on success मैंने ये इन्वोक किया, और यहां पर डॉट कैच ये है। तो मैं काम करता हूँ, ये जो इन्वोक है ना, ये जो कॉन्फिग है और इन्वोक है, इन दोनों को डायरेक्टली रन तो मैंने ऑलरेडी कर दिया है, तो ये क्या दिक्कत आ रही है। मैं इसको रीलोड करूँगा और यहाँ पर देखूँगा यार कि क्या कोई दिक्कत है, क्या इसको कोई प्रॉब्लम है। यहाँ पर मैंने ये किया, उसके बाद भी मेरा जो ये पेमेंट है ये स्टार्ट नहीं हुआ, इनिशिएट नहीं हुआ। ट्रांजेक्शन टोकन मुझे मिल गया, क्या ट्रांजेक्शन टोकन यहाँ पर आ नहीं पा रहा है, क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन टोकन भी आ रहा है, ऑर्डर आई डी भी आ रही है, सब टोटल भी आ रहा है, टोकन टाइप ये हो गया। मैं एक काम करता हूँ, console.log एक यहाँ पर करता हूँ, यहाँ पर init लिखता हूँ, और एक और console.log करूँगा, और यहाँ पर नहीं सिर्फ init लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है कुछ इस तरह से। और अब देखता हूँ कि initialize हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऑर्डर। इसको मैंने कैंसिल किया, और इसको मैं कुछ इस तरह से करूँगा, और ये किया मैंने, तो क्यों नहीं पे कर पा रहा हूँ मैं, क्या दिक्कत आ रही है। इसको रिलोड करता हूँ और दोबारा से पे पर क्लिक करता हूँ, मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, विच इज़ अ प्रॉब्लम। इनिट भी प्रिंट हो रहा है, सब कुछ प्रिंट हो रहा है, दिक्कत क्या आ रही है चेक करता हूँ। अब यार ये ट्रांजेक्शन टोकन जो है ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और ये किस तरह से आ रही है ये भी मुझे देखना पड़ेगा। तो मैंने console.log ट्रांजेक्शन टोकन किया, तो मैं यहाँ पर txn टोकन डायरेक्टली नहीं दे सकता। मैं क्या करूँगा, txn रिस्पॉन्स इसको बोलूँगा, इसको बोलूँगा मैं txn रिस्पॉन्स, और ट्रांजेक्शन रिस्पॉन्स के अंदर आप लोग देखो, मैं लिखूँगा यहाँ पर लेट txn टोकन इज इक्वल टू ट्रांजेक्शन रिस्पॉन्स डॉट। यहाँ पर मैं देखूँगा कि अगर मैं इसके अंदर की जो बॉडी है, या फिर इसके अंदर की बॉडी के अंदर का txn टोकन है वो मुझे चाहिए। तो मैं एक चीज़ और यहाँ पर करना चाहूँगा, यहाँ पर मैं जो रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है, वो मैं करूँगा रिजॉल्व रिस्पॉन्स डॉट बॉडी, ठीक है। और ये करने के बाद यहाँ पर मैं करूँगा डॉट txn टोकन, ठीक है, और अब देखता हूँ ये काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पे किया, ये रहा अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ json अवेट a.json, ये क्या प्रॉब्लम आ रही है, कह रहा है सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ json। तो यार ये तो मुझे दिक्कत कर रहा है, रिस्पॉन्स डॉट बॉडी मुझे क्यों नहीं रिजॉल्व करने दे रहा। और यार उसका रीज़न ये है कि json डॉट बॉडी एक स्ट्रिंग है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर लिखूँगा json डॉट पार्स json डॉट बॉडी, ठीक है, या फिर json डॉट पार्स रिस्पॉन्स, पूरे रिस्पॉन्स को ही आप पार्स करें और डॉट बॉडी कर दें उसका। अभी रिलोड करूँगा, और यार प्लीज़ पेटीएम आप मत रुलाना। हाँ ये देख रहे हो आप लोग, अभी यहाँ पर इसने मुझे रुलाना बंद कर दिया है, देख रहे हो आप लोग। यहाँ पर अभी मुझसे पूछ रहा है डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेटीएम, भीम यूपीआई, क्या आप यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ। तो अब मैं पता है क्या करूँगा जल्दी से, अब मैं ये करूँगा कि जो एक टी शर्ट है, कोई सी भी एक टी शर्ट, उसकी उसका जो कॉस्ट है उसको एक रुपया कर दूँगा, ठीक है। तो मैं MongoDB कॉम्पस को खोल रहा हूँ, और मैं क्या करूँगा कि जो हमारी, मैं सबसे पहले डेटाबेस को कनेक्ट करता हूँ, कोर्स वे यूट्यूब, और इसके बाद प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स के अंदर मैं क्या करूँगा कि कोई भी एक शर्ट, कोई सी भी शर्ट, वेयर द कोड प्रीमियम टी शर्ट रेड कलर की जो है उसको एक रुपये की कर दूँगा, ठीक है, एक रुपये की कर दूँगा, और डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई कर दूँगा, ठीक है। अब मैं वेयर द कोड प्रीमियम टी शर्ट का जो ब्लू कलर है, जो इसका एम में अवेलेबल होगा, ब्लू कलर, हाँ ये रेड कलर, सॉरी मैंने एक रुपये का कर दिया, मैं इसको बाय नाउ करूँगा, पे पर क्लिक करूँगा। और मैं क्या करूँगा अभी, वैसे तो मैं डेबिट कार्ड वगैरह भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं क्या करूँगा, आप लोग को मैं दिखाना चाहूँगा कि मेरे पास फ़ोन है मेरा, ठीक है, मेरे हाथ में फ़ोन है, और मैं इस फ़ोन का इस्तेमाल करके अपनी पेटीएम ऐप खोल के पेमेंट करूँगा, ठीक है। आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, मैं लेकिन पेटीएम यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, ज़रूरी नहीं है पेटीएम ही करो आप लोग यूज़, आप लोग गूगल पे भी कर सकते हो, फ़ोन पे भी कर सकते हो, और भीम UPI भी कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। तो मैं एक रुपया पे करने वाला हूँ अभी, यहाँ पर मैंने पे पर क्लिक किया। अब देखा आपने इसने क्या किया कि मेरे URL पर पोस्ट कर दिया, क्या पोस्ट किया इसने मेरे URL पर, पोस्ट ट्रांजैक्शन URL पर इसने पोस्ट कर दिया जो भी डेटा है। अब मैं देखना चाहता हूँ क्या क्या इसने पोस्ट किया है, ठीक है। तो इसने क्या किया है, सबसे पहले तो बैंक नेम इसने पोस्ट किया, मैंने पेटीएम वॉलेट से पेमेंट किया, बैंक ट्रांजैक्शन आईडी इसने मेरी यहाँ पर पोस्ट करी, इसके बाद इसने चेकसम हैश जो है वो मेरा पोस्ट किया, करेंसी, गेटवे नेम, मर्चेंट यूनिक रेफरेंस, मर्चेंट आईडी, ऑर्डर आईडी, पेमेंट मोड, रिस्पांस कोड, रिस्पांस मैसेज, और कितने पैसे मैंने पे किए,
ट्रांजैक्शन का डेट और टाइम, ट्रांजैक्शन की आईडी, ये सारा डेटा इसने क्या किया, यहाँ पर ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, तब मैं इनकी एक और एपीआई होती है उसका इस्तेमाल करके कर सकता हूँ, और उसका नाम होता है कुछ होता है कि पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, उसकी एपीआई होती है। और इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो फाइनल आप फाइनल स्टेटस ट्रांजैक्शन स्टेटस एपीआई से निकालो, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन स्टेटस एपीआई क्या लेती है, मैं आपको दिखाता हूँ। ट्रांजैक्शन स्टेटस एपीआई को चाहिए होता है आपकी मर्चेंट आईडी, आपकी ऑर्डर आईडी, ठीक है। और आपकी मर्चेंट आईडी और आपकी ऑर्डर आईडी के बाद ये आपको रिस्पॉन्स में देती है ये सारी चीज़ें कि कितने पैसे पे हुए हैं, पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, किस तरह से हुआ है, ये सारे के सारे पैसे की डिटेल्स आप लोगों को ये देती है, ठीक है। तो ये पेटीएम वाले ये कहते हैं कि यार देखो, एक बार हम ये पोस्ट रिक्वेस्ट में मारें तो इसको तुम फाइनल मत समझना, ये डेटा फाइनल मत समझना। तुम क्या करो कि इस ऑर्डर आईडी के करस्पॉन्डिंग तुम ये चेक करो कि ये पैसे आए हैं कि नहीं आए हैं। अगर ये पैसे आ गए हैं तभी आप ऑर्डर को कन्फर्म करो, वरना आप कन्फर्म मत करो। तो हमारे आने वाली स्टेप्स में मैं कुछ चीज़ें करूँगा। सबसे पहले तो पोस्ट ट्रांजेक्शन एपीआई के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले तो ऑर्डर्स टेबल में डाल दूँगा, इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स टेबल, इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स टेबल आफ्टर चेकिंग द ट्रांजेक्शन स्टेटस, ठीक है। पहला काम ये हो गया। दूसरा काम क्या है, अगर मैं इनिशिएट शिपिंग, ठीक है, अगर हम ऑर्डर शिप करना चाहते हैं तो हम इसको इनिशिएट करेंगे, ठीक है। इसके बाद और क्या मैं करना चाहूँगा, और मैं रीडायरेक्ट करूँगा यूज़र टू दी ऑर्डर कन्फर्मेशन पेज, ठीक है। अब यहाँ पर प्री ट्रांजेक्शन एपीआई में मैं पता है क्या करूँगा, जैसे ही कोई भी एक टोकन रिक्वेस्ट करेगा मैं डेटाबेस में एंट्री डाल दूंगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंसर्ट एन एंट्री इन द ऑर्डर्स टेबल विथ स्टेटस एज पेंडिंग। अब इसी ऑर्डर का स्टेटस हम क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स आईडी नहीं करेंगे, हम लिखेंगे अपडेट इनटू ऑर्डर्स टेबल आफ्टर चेकिंग द अपडेट स्टेटस इनटू ऑर्डर्स टेबल आफ्टर चेकिंग द ट्रांजैक्शन स्टेटस। अगर ये पेड हो गया तो मैं इसके स्टेटस को चेंज करूँगा, स्टेटस को चेंज करने के बाद शिपिंग इनिशिएट कर दूंगा और यहाँ पर रिडायरेक्ट कर दूंगा यूज़र को टू दी ऑर्डर कन्फर्मेशन पेज, ठीक है। तो यहाँ पर यूज़र को कुछ इस तरह से दिखेगा, इसके बाद दिखाता हूँ आपको, कुछ इस तरह से दिखेगा। मैं यहाँ पर इसको रिसेट कर लेता हूँ और यहाँ पर एक इमेज दिखा देंगे कोई सी भी, ठीक है। और यहाँ पर ऑर्डर आईडी दिस, योर ऑर्डर हैज़ बीन सक्सेसफुली प्लेस्ड, यहाँ पर आपकी आइटम की डिस्क्रिप्शन वगैरह रहेगी, यहाँ पर सब टोटल रहेगी। इसके बाद ट्रैक ऑर्डर की लिंक यहाँ पर दे दी जाएगी यूज़र को, जो भी हमारा शिपिंग प्रोवाइडर है वो आपको जो है इसका स्टेटस बताएगा, कुछ इस तरह से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। और आप लोग एक बटन यहाँ पर डाल देंगे और की कंटिन्यू शॉपिंग, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ये पूरा फ्लो कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। अब पेंडिंग क्या क्या है, ये सारे टास्क पेंडिंग है अभी हमारे, कि हम स्टेटस जो है ऑर्डर्स टेबल में डालेंगे, शिपिंग को इनिशिएट करेंगे, यूज़र को रीडायरेक्ट करेंगे, तो ये सारी की सारी चीज़ें अभी पेंडिंग है, ठीक है। लेकिन जो हमारा पेमेंट है वो इनिशिएट हो चुका है, हम अब पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। लेकिन आप लोग को अपनी .m.local में अपनी मर्चेंट आईडी, सारे के सारे वेरिएबल्स अपने डालने पड़ेंगे। याद रखना, अपनी मर्चेंट सीक्रेट कभी भी आप लोगों को, मर्चेंट की सॉरी, कभी भी आप लोग को अपनी पब्लिक नहीं करनी है, ठीक है। आप अपनी मर्चेंट आईडी पब्लिक कर सकते हो क्योंकि उससे आप जावास्क्रिप्ट वगैरह फेच कर रहे हो, मर्चेंट सीक्रेट कभी भी पब्लिक मत करना जो मर्चेंट की होती है आपकी पेटीएम की, ठीक है। सो आई होप कि एक अच्छा आइडिया लग गया आप लोगों को पेटीएम पेमेंट गेटवे किस तरह से इंप्लीमेंट करना है। हो सकता है कि आप अगर रेजर पे वगैरह पे जाओ, या फिर एक और होता है इंस्टा मोजो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इंस्टा मोजो होता है, रेजर पे है, इंस्टा मोजो है, तो आप अगर इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो तो ये भी किस तरह से आप लोगों को इंटीग्रेट करना है ये आप लोगों को बता देगा, ठीक है। और इंस्टा मोजो भी आपको बता देगा किस तरह से इसको आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया किस तरह से ये किया जाता है। और यहाँ पर देखो, इन्होंने ट्रांजेक्शन फ़ी वगैरह सबने बता रखी है अपनी अपनी, तो ये आप देख लेना कौन सा यूज़ करना है। मैंने पेटीएम बता दिया, सब लोग यूज़ करते हैं इसलिए, ठीक है। सो अगर आपने नेक्स्ट जीएस की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो ज़रूर एक्सेस कर लेना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।